Hello everyone, this is Manzi from evitati.in. Now we start with chapter number 8 and this is question number 1 of exercise 8.1. So the question says find the ratio of the following. So aapko yahan pe ratio find karna hai. The first part is speed of a cycle is 15 km per hour to the speed of scooter 30 km per hour. So yahan pe aapko speed of cycle given hai and speed of scooter given hai. So let's write it down. स्पीड ऑफ साइकिल हमें कितना गिवन है दैट इज 15 किलोमीटर पर आवर राइट एंड देन स्पीड ऑफ स्कूटर इज गिवन 30 किलोमीटर पर आवर. अब आपको इसका रेशियो निकालना है साइकिल टू दैट ऑफ स्कूटर. सो द रेशियो विल बी 15:30 राइट. अब इसको हम लिख सकते हैं 15/30 and then we'll cut this. Ye aa jayega 1 and this will be 2. So means 1/2 or we can write it as 1:2. ठीक है. So this is the way जिससे हम ratio find करते. This was part number A. Now let's come to the next part. Now the B part says 5 m to 10 km. अब यहाँ पे हमें इसका ratio निकालना है लेकिन इनकी quantities डिफरेंट है. 1 m में है एंड 1 km में है. सो अगर क्वांटिटीज डिफरेंट होती है तो हम उसका रेशियो फाइंड नहीं कर सकते अनलेस एंड अंटिल हम इसकी क्वांटिटी को सेम करें. सो नाउ वी नो दैट 1 km इज इक्वल्स टू 1000 m. अब या तो आप इस 5 m को किलोमीटर में कन्वर्ट कर दो या फिर किलोमीटर को मीटर में. इस केस में अगर हम 5 m को करेंगे तो हमारे पास डेसिमल में आंसर आएगा, इसलिए हम 10 km को मीटर में करेंगे. सो 10 km विल बी इक्वल टू 10 × 1000 m विच मीन्स 10,000 m. ठीक है. अब ये भी हमारे पास मीटर्स में आ गया एंड दिस वन ऑल्सो. सो नाउ द रेशियो विल बी 5:10,000. वी कैन राइट इट एज 5/10,000. दिस इज 1 एंड ये हो जाएगा 2000. So we have 1/2000. We can write it as 1:2000. Okay. So this was the B part. Now moving to the C part. C part में है 50 paisa to rupee 5. Again यहाँ पे quantity पैसे में है and this one is in rupees. So हमें again इसे change करना पड़ेगा and we know that 1 rupee equals to 100 paise. राइट. सो 50 paise को रुपी में करने की जगह हम रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज मच मोर इजियर. सो 5 rupees equals to 100 × 5 विच विल बी 500 paise. अब दोनों क्वांटिटीज हमारे पास पैसे में आ गई. सो वी कैन फाइंड द रेशियो 50:500. ठीक है. So we can write it as 50/500. 0 से 0 cancel. This will be 1 and 10. So 1/10, which is 1:10. ठीक है. So this was question number 1 of exercise 8.1. Now let's come to the next question.